हेलो बच्चों, क्लास सिक्स। आज हम हिंदी वन का पार्ट तीन शब्द विचार करेंगे। और शब्द विचार है जो हैं उसमें, इससे पहले हमने पार्ट पढ़ा था वर्ण। तो जब ये वर्ण आपस में मिलते हैं तो इनसे शब्द बनते हैं। वर्णों को जब आपस में एकत्रित किया जाता है तो वो शब्द कहलाते हैं। तो वास्तव में जो हम भाषा बोलते हैं वे एक ध्वनियाँ होती हैं, और इन ध्वनियों को लिखित रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो वर्ण बन जाता है, और इन वर्णों की सहायता से ही हम शब्द बनाते हैं। तो इन वर्णों की सहायता से जो शब्द बनते हैं वो जो शब्द बन इन वर्णों की सहायता से हम वह शब्द का निर्माण करते हैं, और इन वर्ण इन शब्दों का एक सार्थक अर्थ होता है। अगर इनका अर्थ नहीं होगा तो ये शब्द नहीं माने जाएंगे। तो हम देखते हैं कि भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और ध्वनियों का लिखित रूप जो है वो वर्ण है, और वर्णों की सहायता से ही शब्द बनाए जाते हैं। लेकिन शब्द तभी कहलाते हैं जब वर्णों का समूह सार्थक हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है मकान, किसान, फल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि म जमा का जमा न, ये अलग अलग वर्ण हैं जिनको एकत्रित कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। इसी तरह से किसान है तो की जमा सा जमा न किसान हो गया है। फल में फ जमा ल फल बनाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग वर्ण जो हैं उनको हमने एक निश्चित क्रम में रखकर उसका अर्थ बनता है तो उसको शब्द नाम दिया है। तो हम देखते हैं कि जो हमें उदाहरण दिए गए हैं तो प्रत्येक वर्ण का शब्द में एक निश्चित स्थान होता है, उसका एक निश्चित स्थान है। अगर इसका स्थान निश्चित नहीं होगा तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो वर्णों का क्रम अगर हम बदल देते हैं तो शब्द का अर्थ भी बदल सकता है, और कई बार उसका अर्थ होगा भी नहीं या वो निरर्थक होगा। जिस तरह से इसमें दिया है उदाहरण में कि इसमें दिया है मकान को कर दिया है नकाम कर दिया है, ठीक है, किसान को सानकी कर दी है, क्या मतलब इसका नहीं, और फल को लप कर दिया है। तो अगर हमने इसमें से वर्णों का स्थान बदल दिया है तो वो उसका अर्थ, उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से वर्णों को एकत्रित करना और उसके एक निश्चित स्थान पर ही उसको रखना होता है, तब वो शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह, एक और परिभाषा इसकी बनती है कि वर्णों का सार्थक व व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित यानी क्रम उसका बराबर हो। तो वर्णों का सार्थक व व्यवस्थित समूह जो को शब्द कहते हैं। शब्द तथा पद। अब शब्द जो हैं, हमने देखा इसमें कि वर्णों को एकत्रित करके शब्द बनाया जाता है, और शब्द जो हैं उसको एकत्रित किया जाता है तो वाक्य बनता है। अब ये जो शब्द, बहुत सारे शब्दों से जो वाक्य बने, मिलाकर वाक्य बने, तो इस वाक्य को हम एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, जिसको कहते हैं व्याकरण के नियम। तो हम व्याकरण के नियमों में के अंतर्गत जब इन शब्दों को रखते हैं तो वाक्य बनता है। तो शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, ये तो हमें पता है कि शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो हम शब्दों को वाक्य में एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, अन्यथा वाक्य का भी अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है एक गिलास पानी ले आओ, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसी वाक्य को अगर अव्यवस्थित ढंग से रख दिया जाता है, जैसे गिलास में एक पानी ले आओ, इसका तो कोई अर्थ सही से निकल नहीं रहा है। तो इस तरह से उनका भी ग्रामर व्याकरण के अनुसार उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। अगर व्यवस्थित क्रम में नहीं होगा तो वो वाक्य भी अशुद्ध बनता है।
तो इस तरह से जो शब्द जब व्याकरण के नियम में बंध जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और तब वह पद कहलाता है। ठीक है, तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है और वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह पद कहलाता है। तो इस तरह से शब्द पद कब होगा? कोई भी शब्द पद तब कहलाएगा जब वो वाक्य में से निकाला जाएगा। वाक्य में रहते हुए उसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में उसको देखते हैं तो वो पद कहला बन जाता है। हम आगे देखेंगे शब्द के भेद। तो बच्चों यहाँ पर शब्द के मूल रूप से चार भेद बताए गए हैं। शब्द के भेद विभिन्न आधारों पे किए गए हैं और इनके भेद के आधार पर पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी इसके अलग अलग नियम हैं। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, कि ये जो शब्द हैं वास्तव में ये आए कहाँ से हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से ये शब्द आए हैं। तो हिंदी भाषा में जो शब्दों की उत्पत्ति का आधार माना जाता है वह हमें पांच तरीकों से बताया जाता है। देखिए अब ये कि शब्द शब्द का स्रोत कहाँ से आया है, ये अगर कहा जाए कि शब्द आखिर बने कहाँ हैं, तो शब्द जो हैं वो ध्वनियों से निर्माण हुए हैं। हम समय के साथ में जब हम आदि मानव थे, आदि मानव काल में, तो पहले तो कोई भी बात को लोगों ने इशारों से बताना शुरू किया, ध्वनियों से। जैसे जैसे वो लोग जो आदि मानव थे वो जानवरों के ध्वनियों से अपना काम चलाया, जिस तरह के जानवर होते थे उस तरह से। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब जब उनकी सभ्यता का विकास हुआ तो उन्होंने उन ध्वनियों को परिवर्तित कर दिया, उन ध्वनियों को बदल दिया। तो जैसे जैसे उनको जो समझ में आया, नदियों के, पानी के, हवा के, सबको अपनी ध्वनियों के रूप में, मुँह से ध्वनियों के रूप में प्रयोग किया। यही ध्वनियाँ आगे जाके धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब लगभग पृथ्वी तो बहुत ही पुरानी है और उस पर मानव जीवन जो है करोड़ों साल बाद में, अरबों खरबों साल पुरानी धरती है और करोड़ों साल पहले जीवों का उत्पन्न हुआ, और मानव का जो इतिहास है उसको बहुत ज़्यादा, तो 5 से 7 5 7 8 हज़ार वर्ष पहले का माना जाता है, क्योंकि उससे पहले हम आदि मानव के रूप में थे। हम अपनी मैथोलॉजी के अनुसार सबसे पहला युग जो है वो उसको मानते हैं देव लोग जो होते, जिस सतयुग माना जाता है, जिसमें सती का जन्म हुआ था, शिव पार्वती इनके जन्म के बाद। तो उस समय उससे भी पहले आदि मानव जो थे उन्होंने ध्वनियों का प्रयोग किया था। हम बढ़ते 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 आगे ध्वनियों का और बाकी करते करते जो यही ध्वनियाँ हैं उनको ही हमने शब्द रूप में फिर पिरोया है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा में जो हैं वो शब्द कहाँ से आए हैं, हम संस्कृत का नहीं पढ़ रहे हैं और बाकी पाली भाषा, प्राकृत भाषा, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी में ये शब्द कहाँ से आए हैं। तो हिंदी में ये शब्द जो हैं इनकी उत्पत्ति जो है भाषा में वो पांच तरीके से हुई है। पांच तरीके से हिंदी शब्द जो हैं हमारी भाषा में आए हैं। तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी है, और पांचवा जो है वो संकर है, संकर। तो जो तत्सम शब्द हैं वो वास्तव में संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जब संस्कृत के शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा उनका ज्यों का त्यों वैसे ही हिंदी में प्रयोग किया गया है,
उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पे पुष्प, वृक्ष, जल, दुग्ध, अग्नि, कर्म, घृत आदि, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और ये ऐसे के ऐसे हम इसको हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो है वो शब्द संस्कृत से हिंदी में आया है, यानी कि जो शब्द संस्कृत में थे उनको हमने हिंदी में प्रयोग किया है उसको पर्यायवाची के रूप में लाकर। तो भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल जाता है, जब शब्दों का रूप बदल गया है तो वे तद्भव शब्द कहलाए। जैसे कि दुग्ध जो तत्सम शब्द है संस्कृत का, वो दूध हो गया है, ठीक है। आग जो है अग्नि थी तो वो आग बन गया है। और कृषि जो थी वो खेत हो गया है। कर्म काम हो गया है और घृत घी हो गया है। तो इस तरह से घृत को घी के रूप में प्रयोग किया है। तो यहाँ पे कुछ तत्सम शब्द के तद्भव रूप दिए हुए हैं। तत्सम शब्द जो हैं उनको तद्भव रूप में कैसे लाया गया है, तो ये जो तत्सम शब्द हैं इनको तद्भव रूप में लाया गया है। तो बच्चों ये वाला भाग जो है अब हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा।